الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صلوات الله عليه وسلم ایک اور بلند تر صلوات برادران عزیز آج کی یہ مجلس ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے اس لیے کہ یہ شب شہادت حضرت سید ستیار علیہ السلام کی مجلس ہے اور ہرچند کے ہمارے تمام معصومین میں چہاردہ معصومین علیہ السلام میں سے ہر ایک میں شان عصمت و امامت و رہبری بالکل یکساں طور پر پائی جاتی تھی لیکن ان تمام ہستیوں کے اپنے اپنے مقام پر کچھ امتیازی اوصاف بھی تھے کچھ امتیازی خصوصیات بھی تھے اور اسی اعتبار سے ان کے القاب و آداب میں ہمیں ایک امتیاز نظر آتا ہے ہم کسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں کسی کو مرتضیٰ کہتے ہیں کسی کو مجتبیٰ کہتے ہیں کسی کو شہید کہتے ہیں کسی کو صادق کہتے ہیں کسی کو باقر کہتے ہیں کسی کو کاظم کہتے ہیں یہ سب جو امتیازات ہیں یہ سب میں مشترک ہونے کے باوجود کسی ایک فرد میں زیادہ خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہوئے ماشاءاللہ اور اگر ان امتیازی خصوصیات کا مطالعہ کیا جائے کہ جو ہمارے چوتھے امام تو ان میں ایک اہم صفت ہے دعا اور مناجات دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امیر علیہ السلام سے بھی دعائیں منقول ہیں جناب سید کائنات سید سلام اللہ سے بھی دعائیں مروی ہیں
और बाज़ उलमा ने तमाम मासूमीन से मरवी खुसूसी दुआओं के अलग अलग मजमूए भी मुरत्तब कर दिए हैं। कुछ दुआएं मुश्तरक हैं और कुछ दुआएं अलहदा अलहदा हैं। यहाँ तक के जो कुतुब अदिया व अज़कार हैं, यानी जिन किताबों में उलमा ने खुसूसियत के साथ दुआएं और अज़कार और औरात जमा किए हैं, उनमें कुनूत की दुआएं भी जुदा जुदा हैं। माशाल्लाह। पहले मासूम कुनूत में ये पढ़ा करते थे, दूसरे मासूम कुनूत में ये दुआ पढ़ा करते थे, तीसरे मासूम कुनूत में ये दुआ पढ़ा करते थे। और ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे इस मोहतरम मजमे में अगर कोई हौसलामंद जवान हो जो अदबी और इरफानी दोनों ज़ौक रखता हो, तो उसके लिए एक बड़ा रिसर्च का मौजू है कि इन दुआओं में क्या इम्तियाजात हैं। यानी आप मिसबाह कफ़हमी उठा के देख लें, आप मुहज्जुद दावात उठा कर देख लें, ये किताबों के नाम हैं। आप इकबाल इब्ने ताऊस उठा कर देख लें, आप मिसबाह तूसी उठा कर देख लें, आप मिसबाह सैयद इब्ने बाकी उठा के देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब दुआओं की अहम किताबें हैं। इनमें अलाहिदा अलाहिदा कुनूत की दुआएं हैं, सुबह शाम की दुआएं हैं, सहर की दुआएं हैं, अराफात की दुआएं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआएं, अरफा अलग है, और जनाब सैयद सज्जाद से मरवी दुआएं अरफा अलग है। दोनों में इम्तियाजात क्या हैं? एक आम कारी ये समझता है कि मुश्तरक मजामीन हैं, तकरीबन तरकीबें भी मिलती जुलती हैं, लफ्ज़ियात भी मुश्तरक हैं, लेकिन उसके बावजूद इम्तियाजात भी हैं। बाज़ मजामीन हैं जो एक दुआ में हैं और दूसरी दुआ में नहीं हैं। इस मुतालिए के लिए बड़ा अदबी ज़ौक भी चाहिए, बड़ा इरफानी विजदान भी चाहिए, और इन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़ाती सवाने उम्री और उनके अहद के सियासी और समाजी तकाज़ों पर भी नज़र होनी चाहिए कि किस अहद में क्या कहा गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहरा तहकीकी मौजू है, लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिलासफिकल और थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दीनियाती एतबार से भी, हकीमाना और फलसफियाना एतबार से भी, और अदबी एतबार से भी। बस अब ये मैंने मौजू की तरफ इशारा कर दिया, अब तहकीक आपका काम है। यानी मैं अपने हौसलामंद जवानों को ये होमवर्क देकर जाऊंगा, ये काम आपको करना है। यूनिवर्सिटीज़ में, डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक में, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में, डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी में, हैं, इन मौजूआत को उठाकर दादे तहकीक दीजिए ताकि कुछ आबरूए तहकीक भी रह जाए। कुछ तहकीक का कारवां आगे भी बढ़े और कुछ वाकयान हक अदा हो, हक़ मवद्दत, कुछ हक़ मवद्दत भी अदा हो। ये मौजूआत हैं तहकीक के, मुतालिए के, खुसूसी मुतालिए के ये मौजूआत हैं। मैं जाहिर है कि 60 मिनट या 70 मिनट के वक्फे में क्या गुजारिश कर सकता हूँ, सिवाय ये कि फहरिस्तवार उनवानात सुना दूँ।
ये भी गौर तलब बात है और ये भी गौर तलब बात है और ये भी गौर तलब बात है और ये भी गौर तलब बात है, एक मौजू पर इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं मुमकिन है। अब ये हमारी तहजीब अज़ा है और इस मकतब व मदरसे की एक बुनियादी शर्त है कि हम कोई भी तहकीकी और फिक्री सफ़र शुरू करें, वो सफ़र शुरू कुरान से होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि यूँ दारुल कुरान और मकतब कुरान और मदरसे कुरान और उलूमुल कुरान हज़ारों खुले हुए हैं, लेकिन हकीकतन अगर कोई दरसगाह ऐसी है जिससे कुरान जुदा नहीं हो सकता तो वो ये दरसगाह न ये दरसगाह कुरान से जुदा हो सकती है, न कुरान इस दरसगाह से जुदा हो सकता है। और उसकी वजह यह है कि इस दरसगाह से वाबस्ता हजरात के पेश नज़र हमेशा वसीयत पैगंबर रहती है, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इत्रती अहले बैत, ये वसीयत पैगंबर है, वसीयत पैगंबर। दूसरी हदीसों में और इस हदीस में बड़ा फर्क है। दूसरी हदीसें जो आपने इरशाद फरमाई हैं, यूं तो आपका हर इरशाद अहम है, बशर्ते के वाकयान पैगंबर को बहैसियत मौला कबूल किया हो। फिक्रा पैगंबर का वो अरे आपस में जरा सा ताल्लुक खातिर पैदा हो जाता है रोजमर्रा की जिंदगी में, तो कभी कभी कोई दोस्त मिजाहन भी कोई फरमाइश करता है तो दूसरा दोस्त उसे बड़ी संजीदगी से पूरा करता है। आने वाला कोई मेहमान मिजाहन कोई हुस्न तलब से काम ले ले तो मेज़बान हुस्न अता के दरिया बहा देता है। ये यहाँ मामूली ताल्लुक खातिर में चे जाए के हबीब किबरिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की तकरीर अगर याद हो तो बस एक जुमला कहूँगा, वो जिसके चश्मो अबरू को देखकर खुदा फैसले तब्दील कर दे, हैरत है कि उसके अहकाम को सुनकर मुसलमान सरताबी करे। मुसलमान दस्ते मुस्तफ़ा पर बयात करने वाला मुसलमान, खाने नेमत मुस्तफ़ा पे अपनी भूख मिटाने वाला मुसलमान, वो मुसलमान जेब देता है कि पैगंबर का कोई फिकरा भी एक जुमला भी इस तरह न सुना जाए कि सुना और अनसुना हो गया है। अब आपने अनसुना कहा तो मैंने भी वही कह दिया, अब इसकी सेहत की जिम्मेदारी आप पर है। मगर कुरान मजीद ने भी ये नक्शा पेश किया है कि कुछ लोग पैगंबर की बातें सुनते थे, मस्जिद में मौजूद होते थे, और जब खुतबा ख़त्म होता था मस्जिद से कदम बाहर निकलते थे तो आपस में कहते थे ये क्या कह रहे हैं,
अगर हम कहते तो मुजरिम ठहरते, खुदा ने नकल किया है ये जुमला। अब आप गौर फरमाएं कि ये कैफियत, इसी कैफियत को देखिए, कैफियत कब पैदा होती है। मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तीन सूरत से चौथी सूरत मुमकिन नहीं है। माशाल्लाह। या आप तकल्लुफन आ गए हैं साहिब खाना की खातिर और आपको मालूम है कि ये मिंबर पर बैठने वाला जाहिल महज है, ये कुछ भी नहीं जानता, बस अब जाहिर है मजलिस का ऐलान हो चुका है, बैठना ही है, जो कुछ भी कहें सुन के कोफ्त होगी, बेहतर है कि न सुने, बैठे रहें। या तो ये सूरत है कि सुनने वाले की अर्जिश और अहमियत निगाह में नहीं है, बोलने वाले की, मुतकल्लिम की, खतीब की। और या ये सूरत है कि नहीं, अर्जिश तो है मगर वो जो कुछ कह रहा है वो वाकयान फहम से बालातर है। और या तीसरी सूरत ये है कि बात फहम से बालातर नहीं है, खतीब की अहमियत भी है, उसका कौल भी समझ में आ रहा है, मगर दिल और दिमाग की कैफियत ये है कि जिसको किसी शायर ने दो मिसरों में यूं कहा है कि जानता हूं सवाब ताअत और ज़ुहद पर तबीयत इधर नहीं आती। चौथी कोई सूरत नहीं। जानता हूं सवाब ताअत और ज़ुहद पर तबीयत इधर नहीं आती। आप कह रहे हैं अल्लाह है भाई, होगा, हमारा दिल भी कहता तो है कि अल्लाह है, मगर अब कौन माने हैं? मान के हजार वाजिबात और मुहर्रमात की शर्तें कौन पूरी करे। एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ इस मंजिल पर अजीजाने गिरामी, हर शख्स अपने दिल का भी जायजा ले और दूसरों के मसाइल को भी समझने की कोशिश करे। उमूमन इंसानों के लिए फिक्री और इतिकादी सतह पर तौहीद कोई बड़ा मसला नहीं रहा, बल्कि तौहीद का इकरार करने के बाद बंदगी के तकाजे पूरे करना सबसे बड़ा मसला रहा। हिम्मतें वहाँ पस्त हो जाती हैं, हौसले वहाँ पस्त हो जाते हैं। बेशक, सुभानअल्लाह। दीन इख्तियार कर लिया, कलेमा पढ़ लिया, वाजिबात की पाबंदी कैसे हो, क्या हक है, मुहर्रमात से कैसे बचें, मुस्तहबात कैसे पूरे हों, मकरूहात से कैसे किनारा कश हों, मुबाहात में किस तरीके से हुस्न ज़ौक का सबूत दें, हमारे हर इंतखाब में मिजाज शरीयत आश्कारा हो जाए, तकाजाए शरीयत हमारे सामने हो, हुक्म शरीयत जहां न भी हो वहां भी मिजाज शरीयत तो हो। और हमारे अब एक जुमला और यहीं पर आ गया है तो अर्ज करूं, इज्तिहाद की राह में मुज्तहिदीन से एक मुतालिबा होता है कि जनाब जमाने को देखिए, जमाने को जरा आसरी तकाजों को सामने रख कर अहकाम खुदा बयान कीजिए। बल्कि ये तो मैं बहुत संभले हुए जुमले कह रहा हूँ, मुतालिबा तो ये होता है कि जहाँ तक मुमकिन हो शरीयत को बदल डालिए, ये 1400 बरस पहले की बातें थीं, अब ये ज़माना कुछ और चाहता है। लेकिन मुज्तहिद की जिम्मेदारी क्या है? मुज्तहिद की जिम्मेदारी ये है कि जहाँ पर वाज़ेह अहकामात पहले से मौजूद नहीं हैं, वाज़ेह अहकाम मौजूद नहीं है पहले से, वहाँ पर
जमाने के तकाजे को सामने रखे मगर फतवा वो दे जो मिजाज शरीयत के मुताबिक हो, न कि अपनाए जमाना के मुताबिक। यानी वफादारी उसकी शरीयत के साथ होनी चाहिए, मिजाज शरीयत के मुताबिक इज्तिहाद का तकाजा पूरा होगा कि शरीयत यहाँ पर इस मसले को किस तरह हल करती है। बहरहाल ये तो बात से बात निकलती चली आ रही है और मैं गुजारिश करता चला जा रहा हूँ। असल मुश्किल वही होती है कि पर तबीयत इधर नहीं आती, तो वहाँ भी तीन ही सूरतें हैं, या नऊज़ु बिल्लाह ऐसे लोग रहे होंगे जो रसूल की बातों को दरखुरे इतना न समझते होंगे, या ऐसे रहे होंगे कि जो रसूल की बातों को समझ ही ना पाते होंगे, या फिर ऐसे रहे होंगे कि जो रसूल की अहमियत के से भी वाकिफ होंगे, रसूल की बातें समझ भी रहे होंगे मगर उनकी कैफियत ये होगी कि पर तबीयत इधर नहीं आती। तब तो ये हुआ कि कुरान ने कहा कि इनमें ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते हैं कि मादा काला आनेफन, ये कह क्या रहे थे अभी। बहरहाल लेकिन अगर मारिफत मकाम मुस्तफ़ा भी हो, अगर उनको अपना मौला बना लिया हो, मुस्तफ़ा को अल्लाह का रसूल है मुस्तफ़ा, लेकिन यहाँ पर ये मर्तबा देखिए, अल्लाह ने अपना रसूल बना दिया, वो रसूल हैं। किसके रसूल हैं? हमारे रसूल हैं या अल्लाह के? तो रसूल की हैसियत से उनका रिश्ता किससे बरकरार है? असल रिश्ता अल्लाह से बरकरार है, वो नबी हैं। किसने नबी बनाया? अल्लाह ने। तो नबुवत के हवाले से हुजूर का रिश्ता किससे कायम है? अल्लाह से। अब हमसे और रसूल से कौन सा रिश्ता कायम होगा? रसूल का वो रिश्ता जो खुदा से है वो रिसालत और नबूवत का रिश्ता है, रसूल का वो रिश्ता जो हमसे होना चाहिए वो मौलाइयत का रिश्ता। दुनिया छोड़ने से सिर्फ 70-72 रोज पहले जो एक मखसूस ऐलान किया था उसमें जुमला यही कहा था, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली उन मौला, अरे जिसने मुझे मौला माना हो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। रसूल तो मैं रहूंगा, तुम मानो या ना मानो। नबी मैं रहूंगा, तुम मानो या ना मानो। वली मैं रहूंगा, तुम मानो या ना मानो। मगर तुम्हारा मौला तो तभी बनूंगा जब तुम मौला मान लो। जिसने रसूल को अपना मौला आका हाकिम माना हो, अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि अच्छा ये अल्लाह के रसूल हैं तो हम इनसे फिर दोस्ती किए लेते हैं, यही मानी है? अल्लाह का रसूल है तो हम दोस्त बना लेते हैं, हैं? अल्लाह का नबी है तो फिर हम अपना दोस्त बना लेते हैं, अल्लाह का नबी है तो हम अपना दोस्त बना लेते हैं। दोस्त के मानी होंगे यहाँ पर है? बरी अक्ल व दानिश पे बायत ग्रीस्त, इसी अक्ल व दानिश पर रोने का मकाम है। इसी अक्ल व दानिश पे रोने का मकाम है। अल्लाह का रसूल है तो हम अपना दोस्त बना लेते हैं।
का रसूल है तो हम अपना नबी है तो अपना दोस्त बना लेते हैं, हैं? अल्लाह का रसूल है तो वो हमारा हाकिम होगा ना के दोस्त। अल्लाह का रसूल है तो अल्लाह की तरफ से नबी है तो हमारा हाकिम होगा, आका होगा ना के दोस्त। और जब वो कहे कि मन कुन तो मौला, तो उसके मानी भी यही होंगे कि जिसका मैं हाकिम और आका हूँ। फहादा अली मौला, ये अली भी उसके हाकिम और आका हैं, न ये के दोस्त हैं। नहीं है कि दोस्त बारह। तो बात यहाँ तक आ गई, वरना गुजारिश सिर्फ ये कर रहा था कि जिसने हुजूर को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आका तस्लीम किया हो, अपना हाकिम मान लिया हो, अपना मौला माना हो, उससे ये बईद है उस मर्द मुसलमान से कि हुजूर के किसी एक जुमले को भी सरसरी तौर पर सुन के गुजर जाए। कुछ भी फरमाएं हुजूर, वो हमारे लिए मशाले हिदायत है। उनकी मामूली सी ख्वाहिश का इजहार भी हुक्म के दर्जे में होगा, मगर ये किसके लिए? जो अहले इश्क व मवद्दत होगा। दुनिया में भी मैं मेहमान हूँ, मेरा क्या हक है आपके ऊपर? लेकिन जो जनाब मैंने कह दिया कि आज ज़रा मैं लाइब्रेरी जाना चाहता हूँ, अब आप अपनी कार को जहमत देंगे, अपने ड्राइवर को जहमत देंगे, अरे मैं कह रहा हूँ क्या इतनी जहमत क्यों करने की? अरे साहब हुक्म है आपका। मैंने कब हुक्म दिया? कौन सा ऐसा हाकिम में आला हूं कि अगर हुक्म भी दे दूं और आप हुक्म उदूली करें तो आपको कौन सी सजा मिल जाएगी? लेकिन चूंकि रिश्ता मोहब्बत और मुरव्वत का है, तो मामूली सी ख्वाहिश को हुक्म का दर्जा दिया जाता है। ये इंसानी कदरें हैं। हाय वो मर्द मुसलमान कि जो इंसानी कदरें भी अपने पैगंबर के साथ ना बरत सके। बहरहाल ये इंसानी कदरों की बात है। जिसने मौला माना हो, हाकिम माना हो, सरपरस्त माना हो, वो कोई एक फिक्रा हुजूर का नज़रअंदाज नहीं कर सकता। चे जाए के वसीयत, अरे मामूली ख्वाहिश अलग होती है। आदमी सेहतमंद है, उसने कोई ख्वाहिश की आपने पूरी नहीं की, मगर वसीयत अगर है। और जिस तरीके से वसीयत की तामील वाजिब है, उसी तरह वसीयत की हिफाजत वाजिब है। और जितना बड़ा गुनाह है वसीयत को पूरा न करने का, उससे कहीं बड़ा गुनाह है वसीयत को बदल देने का। ये सब तो तमीदी जुमले हैं, अभी तकरीर तो शुरू नहीं हुई।
मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हमारी तहजीब यह है अल्हम्दुलिल्लाह इस मकतब आज़ादारी की सबसे बड़ी मजबूत जिहत यह है, इसकी असास यह है कि यह आज़ादारी गोया तामील वसीयत पैगंबर है। ना ये मेंबर कुरान से जुदा हो सकता है ना कुरान इस मेंबर से। जो भी खतीब यहाँ आता है गुफ्तगू कुरान से शुरू करता है और खत्म अहले बैत पे करता है। तो गोया ये एक बहुत ही मामूली और ये एक बहुत ही मुतवाज़े और ये एक बहुत ही खाकसाराना और आजिज़ाना अंदाज़ है तामील वसीयत पैगंबर का। आका आपने कहा था ना कि मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अपनी इत्रत अहले बैत। लेकिन हम ऐसी मजलिसें सजाएंगे कि कुरान भी तिलावत करेंगे, आपके अहले बैत का तज़किरा भी करेंगे। आज़ादारी की बुनियाद समझ में आई, ये वसीयत पैगंबर की तामील की मुसलसल तहरीक है। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले। मरतबा कुछ चीज़ें मेरी तकरीरों में मुसलसल चल रही हैं, मैंने वहाँ मॉडल टाउन की मजलिसों में भी कुछ आज़ादारी के मुतालिक बातें कहीं। इस तहजीब आज़ा को समझें, इसकी बुनियाद में जो फ़लसफ़ा है उसको समझें, और ये कितनी बड़ी अमानत है इसे समझें और इस अमानत को नई नस्ल तक मुंतकिल करें बग़ैर किसी ख़यानत के। अपने बच्चों की तरबियत करें। बुज़ुर्गों से गुजारिश है, वालिदैन से गुजारिश है, माँ और बहनों से गुजारिश है, बच्चों को लेकर फर्श अदा पर आएं और इन्हें आदाब अदा सिखाएं। आदाब मजलिसी में पनपने वाला शुरूर ही कुरान के मानी को समझ सकता है। कुरान ने क्या कहा। मैं गुजारिश कर रहा था कि हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन इम्तियाजी औसाफ में से यह है कि आपकी दुआएं और मुनाजातें एक खसूसी इम्तियाज रखते हैं और बजा तौर पर इन दुआओं के मजमूए को ज़बूर आले मोहम्मद कहते हैं, इंजील अहले बैत कहते हैं। देखिए अहले किताब जो अक़वाम हैं उन्होंने किताबों में तहरीफ की, तौरात को बदल दिया, इंजील को बदल दिया, ज़बूर भी अपनी असली हालत पे बाकी नहीं रही। दूसरे भी जो सहीफे हैं वो या तो मिलते ही नहीं हैं और या मिलते हैं तो तहरीफ शुदा शक्ल में। ये जो ज़बूर हज़रत दाऊद है ये भी दुआओं और मुनाजातों का मजमुआ था। हमें तौरात और इंजील की तहरीफ का गम तो है मगर उससे हमें कोई नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि उससे बढ़कर कुरान मिल गया। और इसी तरह हमें ज़बूर के तहरीफ शुदा होने का अफसोस तो है, गम तो है, मगर हमारा नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि हमें सैयद सज्जाद की दुआओं का मजमुआ मिल गया। अजीज़ों उर्दू में चंद तर्जमे हुए हैं, सहीफ़े सज्जादिया, सहीफ़े कामिला,
इसके चंद तर्जमे हुए हैं, लेकिन और अंग्रेज़ी ज़बान में भी कम से कम दो तर्जमे तो मेरे इल्म में हैं। एक 20वीं सदी के आगाज़ में लखनऊ से शाया हुआ था, एक स्कॉलर थे सैयद मोहम्मद अहमद मोहानी मरहूम, खुदा उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान में उस वक्त सहीफ़े सज्जादिया का तर्जमा किया था। और एक अभी ताज़ा तर्जमा आया है जो एक अंग्रेज़ स्कॉलर ने किया है और उसका नाम है डॉक्टर विलियम चिटिक। ये स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में इस्लामिक स्टडीज़ वग़ैरह के प्रोफेसर हैं और बहुत मशहूर स्कॉलर हैं। इस वक्त मगरबी दुनिया में इस्लाम शनासों में उनका शुमार है। उन्होंने बहुत अच्छा तर्जुमा किया है, अगरचे उसमें भी कहीं कहीं पर कलाम की गुंजाइश इसलिए है कि बहरहाल वो पैदाइशी एतबार से अंग्रेज़ हैं, तो मुकम्मल तौर पर तहजीब आले मोहम्मद से आशना नहीं है। किताबी इल्म है, उन्होंने बहुत कुछ समझने की कोशिश की, बहुत अच्छा समझा। इस वक्त बेहतरीन तर्जमा है, इसमें कोई शक नहीं, मैं दाद दे रहा हूँ, बेहतरीन तर्जमा है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी गुंजाइश है उसमें तरक्की की, तरमीम की। और ये कौन करेगा? ये आप में से कोई पैदा होना चाहिए। ये गुफ्तगू इसलिए भी यहाँ कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ जो तबर्रुकात दिखाए गए थे इस अज़ा खाने के, उसमें चंद बहुत पुराने नुस्खे सहीफ़े सज्जादिया और सहीफ़े कामिला के भी हैं, मख़तूता शक्ल में मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसके। और मैंने गुजारिश की थी कि अगर मुमकिन हो, मुनासिब हो, तो इसको एज़ इट इज़ फ़ोटोग्राफ्स की शक्ल में, किताबी शक्ल में शाया कर दिया जाए और आपके अज़ा खाने का वही गोया सोवेनियर होना चाहिए। जो आए उसे आप तोहफे में वही दे दें। और वो किताब देने में मालूम है हिकमतें क्या हैं? देखिए, आम तौर पर इंसान को अगर आप मुनाजरे की कोई किताब दे दें तो हर इंसान मुनाजरा पसंद नहीं करता। वो ये समझता है कि आपका मजहब मसलक आपके साथ, मेरा मजहब मसलक मेरे साथ, आप एक खुदा के मानने वाले होंगे, मैं तीन खुदाओं का मानने वाला हूँ, आप अपनी जगह खुश रहें, आप अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश। अरे भाई, कोई क्रिश्चियन आ जाए तो आपके साथ, वो तो ट्रिनिटी का कायल है ना, वो तो तसलीस का कायल है, हैं? तो आप क्या करेंगे? वो आजकल का यही एक आम दस्तूर है भाई, आपका मसलक आपके साथ, हमारा मसलक हमारे साथ, कोई एक दूसरे को छेड़े नहीं, हैं? अब हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ भी है कि हम तौहीद का पैगाम पहुँचाएँ, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ भी है कि हम बताएं कि नबुव्वत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबुव्वत भी रहमत है इंसानियत के लिए और यही मकाम ख़त्म नबुव्वत है। इसके पहले जितने नबी आए बरहक, लेकिन अब इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, इसके बाद कोई रसूल आने वाला नहीं है। अगर इसके बाद कोई इद्दआए नबुव्वत करे तो वो निज़ाम तौहीद का बागी है। ये जुमला याद रखिएगा, जब वहाँ से ऐलान हो गया ख़त्म नबुव्वत का, तो अब नबुव्वत का इद्दआ जो है उसके मानी ये हैं कि मुस्तफ़ा का इनकार नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम के एक ऐलान से सरताबी है। तो गोया निज़ाम तौहीद का बागी है वो। तो हमें नबुव्वत पैगंबर और मकाम खातिमियत भी समझाना है और उसके बाद ये भी बताना है कि खातिमियत का राज क्या है। ये नबुव्वत मुस्तफ़ा पे आके ख़त्म क्यों हो गई, ये बात गौर तलब है या नहीं? अब मैं पूछूं कि क्यों ख़त्म हो गई, एक जुमले या दो जुमले या तीन जुमले में जवाब दे दीजिए। ये कुदरत होनी चाहिए ना। सवाल है कि जनाब वाला, आपका रब कौन है? अल्लाह।
कहे अल्लाह हैं आपके एक, रसूल कितने हैं 1,24,000 हैं, पहले उनमें के आदम और आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अगर कोई सवाल करे कि ये आखिरी क्यों, आदम पे कोई सवाल करे कि वो पहले क्यों, तो बहुत सादा सा जवाब है, वो पहले बशर थे, पहले नबी थे, उनके बाद फिर बनी आदम अफराद बशर की तादाद बढ़ी, तो जो भी उनके औलाद व अहफाद थे उनके ऊपर वो नबी थे, तो उनसे पहले किसी नबी के होने का तो सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन क्या ऐसा ही है कि हमारे खातम पर दुनिया ख़त्म हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ। तो जब ख़त्म नहीं हुई दुनिया, कारवाने इंसानियत बढ़ा चला जा रहा है और क़यामत जो है वो दूर से दूरतर होती चली जा रही है, सर पे आ आ के आगे बढ़ जाती है, क़यामत आ आ के बढ़ जाती है। ये मैं ही थोड़ी कह रहा हूँ, कुरान मजीद ने कहा इक्तरबतिस साअतु वंशक्कल क़मर, अरे क़यामत आ गई थी, इक्तरबत क़यामत नज़दीक हो गई थी और चांद दो टुकड़े हो गया था। अजाब, ये बेसाख्ता मेरी जबान पे आ गई आयत आ गई तो फिर इसके तरफ एक इशारा कर दूँ। बाज हजरात मोजज़ात पैगंबर में बहुत शुभा करते हैं, इनकार करते हैं, चांद दो टुकड़े नहीं हुआ, सूरज नहीं पलटा, ये कैसी बातें आप करते हैं, अरे ये निज़ाम कायनात है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो जनाब वाला दुनिया जो है तहस नहस हो जाती अगर चांद दो टुकड़े हो जाता, अगर सूरज पलट आता तो फिर नाबूद हो जाती ये कायनात, कैसी बातें कर रहे हैं, साइंसी उसूल इसके मनाफी हैं, फ़लसफियाना उसूल इसके मनाफी हैं, हकीमाना उसूल इसके मनाफी हैं, और कुछ लोग तो साइंस और फ़लसफ़ा कुछ भी नहीं जानते बेचारे और उसके बावजूद इनकार करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो कुरान का सहारा लेकर रसूल के मोजज़ात का इनकार करते हैं, जी हाँ ऐसे भी हैं। क्या क्या चीज़ें बयान करूं, किन किन बातों का जवाब दूं, कुरान का सहारा लेकर कहते हैं कि रसूल को सिवाय कुरान के और कोई मोजज़ा नहीं मिला, वो हमारे जैसे बशर थे, वो चांद को दो टुकड़े नहीं कर सकते थे, वो सूरज को नहीं पलटा सकते थे, तमाम अमली मोजज़ात का इनकार करते हैं। तो एक बहुत बड़े दानिश्वर ने जब मुझसे गुफ्तगू की कि साहब आप सोचिए तो सही कि अगर चांद दो टुकड़े हो जाता तो क़यामत आ जाती, मैंने कहा आप गलत नहीं कह रहे हैं, क़यामत आ गई थी, खुदा ने खुद ही फरमाया है। आयत शुरू ही यहां से होती है कि कयामत नजदीक आ गई थी और चांद दो टुकड़े हुआ। पढ़ लीजिए कुरान जाकर। लेकिन यहां पर एक पहलू और अर्ज करूंगा कि चांद के दो टुकड़े होने का तस्करा बाद में है और कयामत के करीब होने का तस्करा पहले है, तो अब सोचना पड़ेगा कि चांद के दो टुकड़े होने की वजह से कयामत करीब आ गई थी या मुस्तफा की तकजीब की बिना पर कयामत करीब आ गई थी। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। देख रहा हूं मेरे बिल्कुल सामने है, अभी तक गुफ्तगू तमहीद की मंजिल में है, अभी मौजू पर तकरीर शुरू नहीं हुई। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि हमारे ऊपर फर्ज यह है
कि हम तौहीद से दुनिया को आशना करें, हम दर से तौहीद दूसरों तक पहुंचाएं, हम मकाम ख़त्म नबुवत की तौज़ीह करें। और ये तो बताएं कि नबुवत इन पर ख़त्म क्यों हो गई। अब ज़रा सा बात आ गई है तो चलिए मौजू आज का कल पूरा करूँगा, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दे दूँ। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जनाब वाला पहले सवाल को अच्छी तरह समझिए। हमारे यहाँ हौज़े इल्मिया में सवाल को अच्छी तरह डिस्क्राइब करना वाजिब है। फ़िक्ह इस्तिदलाली का जो दर्स होता है, जिसे दर्स खारिज कहते हैं, दर्स खारिज के अलावा जब किताबें भी पढ़ाई जाती हैं तो अंदाज़ ये होता है कि ये पढ़ा आपने, जी पढ़ा, अब इस पर एतराज़ कितने वारिद हो सकते हैं, क्या क्या इश्काल वारिद हो सकते हैं। खूब अच्छी तरह उस एतराज़ को बयान कीजिए, ताकि ये ना हो कि कोई मोतरिस कहे कि मेरा एतराज़ तो समझा ही नहीं गया। तो इस तरह आप बयान कीजिए जैसे खुद आप एतराज़ कर रहे हों, आप वकालत कीजिए मोतरिस की, उसका इश्काल, उसका एतराज़, उसकी मुश्किल बयान कीजिए। चनांचे कभी एक एक दिन, दो दो दिन दर्स ख़त्म हो जाता है सिर्फ एतराज़ बयान करने में। और स्टूडेंट्स जो कमज़ोर जहन के होते हैं वो समझते हैं कि लीजिए जब इतना भारी, इतना बड़ा एतराज़ है और इश्काल है तो ये तो हुक्म होना ही नहीं चाहिए, मसला बरतरफ हो जाएगा। हमारा लगता ख्याल ये है कि मसला बरतरफ हो जाएगा, उसके बाद उसका जवाब आता है। तो पहले इस सवाल को समझ लीजिए कि इन पर नबुवत ख़त्म क्यों हो गई, जारी क्यों नहीं रही। मखलूक तो थी, मखलूक थी और है, आज भी इंसानियत है। तो अब जनाब वाला पहले अभी ये सवाल है कि नबुवत इन पर ख़त्म क्यों हो गई। अब इस सवाल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आदम क्या लेकर आए थे नबी की हैसियत से, क्या पैगाम लाए थे? तौहीद, अपने लिए नबुवत का ऐलान, आखिरत का पैगाम, है ना? तौहीद, नबुवत, आखिरत, तीन चीज़ें लाए थे। तौहीद जब हम कहते हैं तो उसमें सब चीज़ें शामिल हैं। तौहीद के मानी है खुदाए हई, तौहीद के मानी है खुदाए आलम, तौहीद के मानी है खुदाए कादिर, तौहीद के मानी है खुदाए कयूम, तौहीद के मानी है खुदाए कदीम, तौहीद के मानी है खुदाए आदिल। अब अगर कोई आदल का इनकार करेगा तो हम तौहीद के बाद आदल इजाफा करेंगे। जिस चीज का इनकार होता है उसके ऐलान पर ज्यादा जोर देना पड़ता है, समझे? उसूल दीन जो है, तौहीद के बाद हम आदल क्यों गिनते हैं? इसलिए कि एक गरोह पैदा हो गया जिसने अदल का इनकार किया। मुसलमानों में जो सितम पेशा थे, सितमकार और सितम पेशा में फर्क है। सितमकार सितम करने वाला, एक लम्हे के लिए सितम किया तो भी सितमकार है, मुसलसल सितम किया तो भी सितमकार है, और सितम पेशा वो है कि जो सितम से कभी हाथ ही ना उठाए। तो जो सितम पेशा हुक्मरान थे उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की कि ये जुल्म और अदल का तसव्वुर जो है ये अकली नहीं है, हुस्न और कुफ जो है ये अकली नहीं है, खुदा भी जब जो जी चाहता है करता है, खुदा से नऊज़ु बिल्लाह जुल्म भी सादिर हो सकता है, खुदा ज्यादती भी कर सकता है। यानी ये भी मुमकिन है कि एक शख्स नेक है उसे जहन्नम में डाल दे, एक शख्स बदकार है उसे जन्नत में डाल दे, ये मुमकिन है, ये उसकी मर्जी है। ये पूरा स्कूल ऑफ थॉट है मुसलमानों में, लेकिन ये स्कूल ऑफ थॉट होगा स्कूलों में। खुदा की कसम, दुनिया में किसी भी साफ बातिन इंसान से, सादा दिल इंसान से,
सादा दिल मुसलमान से पूछो कि तुम्हारा खुदा जालिम है तो नाराज हो जाएगा। यानी आज रूए जमीन पर जो भी किसी खुदा का कायल है वो खुदाए आदिल का कायल है, खुदाए जालिम का कायल नहीं है। इंसानी फितरत ये कबूल नहीं कर सकती कि खुदा जुल्म ही कर सकता है। आम इंसान जिसकी फितरत फितरत सलीमा है, जिसके पास कल्ब सलीम है, जिसके पास फिक्र मुस्तकीम है, जो सियासत मदार नहीं है, जो मसलहत भी नहीं है, वो इंसान खुदाए आदिल का कायल है, खुदाए जालिम का कायल नहीं है। तो जब हम कह रहे हैं तौहीद का पैगाम लेके आए थे तो जनाब आदम खुदाए हय्यो कय्यूमो आलिमो कादिरो सादिको आदिल का पैगाम लेकर आए थे कि वो खुदा है और मैं उसका रसूल हूँ, मैं नबी हूँ। नबूवत का पैगाम लेकर आए और तुम्हें आखिरत साजी मुस्तकबिल साजी की दावत देने आया हूँ। जवानों, तुम में से कौन है जो अपने फ्यूचर को अच्छा न देखना चाहता हो? आखिरत साजी की बात फ्यूचर बनाने की बात है और कुछ नहीं है। तो तौहीद के पैगाम के साथ फ्यूचर का संवारना ये एक पैगाम था है? यही तीन चीज़ें लाए थे ना हज़रत आदम के बाद हज़रत शीस, उन्होंने क्या उसमें कुछ एडिशन किया? यही पैगाम था। जनाब इजरीस, कुछ इजाफा किया? यही पैगाम था। जनाब नूह, कुछ इजाफा था? यही पैगाम था। जनाब इब्राहिम, कोई और इजाफा था? यही पैगाम था, खुदा को मानो आखिरत बनाओ। हम तो खुदा की तरफ से तुम्हें यही पैगाम देने आए हैं, खुदा को मानो आखिरत बनाओ। खुदा को मानने का लाजिमा यह है कि हमें भी मानो। आखिरत बनाने की फिक्र हो तो वो तरीका ले लो जो हमें अल्लाह ने सिखा के भेजा है, ठीक है? जनाब इब्राहिम यही लाए, जनाब मूसा, जनाब ईसा और हमारे पैगंबर, यही पैगाम था ना। जब यही पैगाम था तो या पहले ही एक ही नबी पे नबूवत खत्म हो जाती बगैर ऐसा होता कि जनाब आदम तीन लाए उसूल दीन और जनाब शीस ने एक इजाफा किया और फिर जनाब इदरीस ने एक इजाफा किया और जनाब नूह ने, हर नबी के यहाँ इजाफा होता गया और बाद में गोया पैगंबर जितने उसूल थे सब ले आए तो अब ख़त्म नबूवत हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आदम लाए थे वही खातम लाए तो या वही वहीं पर नबूवत खत्म हो जाती या फिर यहां भी खत्म ना होती। इसलिए कि अभी इंसानियत का कारवां आगे जारी है। तवज्जो है? अब सवाल समझ में आया कि मैं कह रहा हूं नबूवत इन पे खत्म क्यों हो गई? अब सवाल की संगीनी समझ में आई? वैलिड क्वेश्चन है या नहीं? वैलिड है। अच्छा, वैलिड है तो फिर इसका जवाब क्या होगा? अजीजों, बस एक एक दो दो जुमलों में जवाब अर्ज करके आगे बढ़ूंगा इसलिए कि हुदूद वक्त खत्म हो रहे हैं। कि तौहीद आदम भी लाए, तौहीद शीश ने भी पेश की, तौहीद इदरीसो नूहो इब्राहिमो मूसाओ ईसा और तमाम अंबिया, तमाम हुज्जते इलाहिया, उधर से आने वाला हर नबी, हर रसूल, हर इमाम, हर वसी, इमाम और वसी का तज़किरा ना भूलिएगा। इसलिए कि हर नबी ने एक ना एक वसी बनाया अपनी जिंदगी में भी और अपने बाद भी, और ये उम्मतों की किस्मत रही कि जब भी किसी नबी ने वसी बनाया तो उम्मत ने वसी को कबूल नहीं किया। न
नतीजतन गुमराह हुई, नतीजतन गुमराह हुई, मुस्तहिक इताब हुई। कुरान, कुरान तारीख और हदीस नहीं, कुरान में मौजूद है, जाके पढ़ लीजिएगा। तो हर नबी, हर रसूल, हर हुज्जत खुदा, हर इमाम और हर वसी नबी ने तौहीद पेश की, मगर फर्क ये था, बस एक जुमला, फर्क ये था, पैगंबर से पहले जितने नबी आए तौहीद उन्होंने भी पढ़ाई, मगर उनके तबलीग की तमाम तर कोशिशों के बावजूद या उन्हीं के उनके इंतकाल के फौरन बाद या उन्हीं की जिंदगी में उनकी उम्मत में बुत परस्ती और शिर्क और कुफर दाखिल हो गया। मूसा जैसा उलुल आजम पैगंबर, मूसा जैसा उलुल आजम पैगंबर वफात नहीं, इंतकाल नहीं, 40 दिनों के लिए गैबत के इख्तियार कर ली थी। खुदा की दावत पर 40 दिनों के लिए अपनी उम्मत से जुदा हो गए। 40 दिनों में गौशाला परस्ती शुरू हो गई, बछड़े को खुदा बना लिया गया। और फरमाते हैं तो आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने तौहीद पेश की, मगर नबी के जाते ही उसके दीन में शिर्क दाखिल हो गया, कुफर दाखिल हो गया, बुत परस्ती दाखिल हो गई। ये कमाल तबलीग मोहम्मद मुस्तफा है कि 1400 बरस गुजर गए मगर मिल्लत मुस्तफा में न शिर्क दाखिल हुआ, न कुफर दाखिल हुआ, न बुत परस्ती दाखिल हुई। जब तौहीद महफूज रह गई तो बताओ नबूवत जारी रखने की जरूरत क्या है। मैंने पहले सवाल किया था कि बताओ नबूवत खत्म क्यों हो गई, अब मैंने जवाब दे दिया, अब सवाल सारी दुनिया से है, बताओ नबूवत की जरूरत भी बाकी है। जब तौहीद महफूज है फिर नबूवत की क्या जरूरत है, नबूवत की जरूरत क्या, मोहम्मद से बढ़कर कोई मुअल्लिम तौहीद आ सकता है, नहीं आ सकता, क्या दलील है खत्म नबूवत, नहीं आ सकता। तो अब जरूरत ही नहीं है नबूवत की, इसलिए कि तौहीद का पैगाम महफूज है। और चूंकि तौहीद का पैगाम महफूज है इसीलिए नबूवत की जरूरत नहीं है, तो खत्म नबूवत की दलील खुद मौजूद है यहाँ पर। नबूवत खत्म हो गई, इसके बाद और भी पहलू हैं लेकिन अब वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, और अगर वक्त में गुंजाइश आप निकाल भी लें तो मेरी तबीयत में गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो बहरहाल अब तसलसल को बरकरार रखते हुए ये सब बिल्कुल एक के बाद एक बातें आती चली गई, तो गुजारिश करता गया कि जनाब वाला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से भी हमें दुनिया को आशना करना है, तौहीद से आशना करना है, नबूवत से आशना करना है, मकाम ख़त्म नबूवत से आशना करना है, और मकाम ख़त्म नबूवत के और भी असरार हैं। क्या असरार हैं? तौहीद महफूज रह गई। कैसे महफूज रह गई? यूं ही ऐसे ही महफूज रह गई तौहीद? अरे पैगंबर ने अपने ऐसे अहले बैत तरबियत करके छोड़े थे, अपने ऐसे जानशीन छोड़े थे कि इनके रहते हुए पैगाम मुस्तफा में तब्दीली आ नहीं सकती थी। वो मूसा थे, सुन ले मेरा जो
शुरू हो गई। ये मुस्तफा हैं, इन्होंने ऐसा वसी तरबियत किया है कि दुनिया गौशाला परस्ती ना करे, खुद उसी वसी को सजदा करना चाहे तब भी वो कहेगा मैं बंदा हूं, बंदा खुदा नहीं। में नबुव्वत का नाम है, दो मोहरे लेके आए थे पैगंबर, दो मोहरे, एक तो पुश्ते मुबारक पे पैदाइशी मोहर थी, वो थी मोहरे नबुव्वत, और एक फतह मक्का के मौके पर अपने शाने पे किसी को उठाया था, वो थी मोहरे खत्म नबुव्वत। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान अहले बैत, इनके रहते हुए खत्म नबुव्वत को कोई खतरा नहीं है। खत्म नबुव्वत को वहीं चैलेंज का सामना होता है जहां या कुरान हाथ से निकल जाए या अहले बैत, बल्कि कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि कुरान हाथ में रहा फिर भी खत्म नबुव्वत का अकीदा हाथ से निकल गया। उसकी वजह यह थी कि अहले बैत का दामन हाथ में ना था, इसलिए कि कुरान है सामित, कुरान है खामोश, कुरान बोलता नहीं, कुरान पे तीर बारानी करो तो आहो फरियाद की सदा बुलंद ना होगी, मगर ये अहले बैत हैं, इन्हें घोड़ों की टापों से पामाल कर दो तब भी नौके नैजाबा कुरान सुनाते रहेंगे। अधूरा रह गया, अगर अब इसके बाद गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश ये याद रखो, सैयद सज्जाद का तस्करा शुरू किया था, सैयद सज्जाद भी मोहरे खत्म नबुव्वत का नाम है, और जो जुमला कह रहा था उसे मुकम्मल कर दूं, सुन लो कि अगर आज तौहीद का पैगाम पहुंचाना है, आज नबुव्वत का पैगाम पहुंचाना है, आज आखिरत की बात समझानी है और किसी की समझ में ना आए, कुरान का भी कोई मुनकिर हो, मैं जुरत के साथ कह रहा हूं, कुरान भी किसी की समझ में ना आए तो सहीफे सज्जादिया उठा के दे दो। इस दिलावेज तरीके से तौहीद और नबुव्वत को समझाया है, इस दिलावेज तरीके से आखिरत के मनाजिर पेश किए हैं, दुआ के उसलूब में, उसलूब दुआ में, अब कल गुफ्तगु होगी दुआ पर, उसलूब दुआ, ये सैयद सज्जाद जिंदगी भर उसलूब दुआ में तबलीग करते रहे।
अल्लाह कौन सैयद सज्जाद, कौन सैयद सज्जाद, वो सैयद सज्जाद के मेरे एक बुजुर्ग खतीब ने एक मरतबा सवाल कायम किया था, उन्होंने दूसरी तरह से जवाब दिया था, मैं उनके जवाब से मुतमईन नहीं हूँ, सवाल वही है मगर मैं अपने तौर पे जवाब अर्ज करता हूँ। उन्होंने कहा था इबादतें तो पैगंबर ने भी की और सबसे ज़्यादा की, इबादतें तो मौला अली ने भी की और सबसे ज़्यादा की, इबादतें तो हसन और हुसैन ने भी की, मगर सैयद सज्जाद का लकाब, ज़ैनुल आबिदीन का लकाब हमारे चौथे इमाम को क्यों मिला? अब मैं जवाब अर्ज करता हूँ, हुजूर रिसालत में आपने बहुत नमाजें पढ़ीं, इतनी नमाजें पढ़ीं, इतनी शब्बेदारियाँ की, इतनी जफाकशी की कि खुद अल्लाह ने पुकार के कहा कि कुम लैला इल्ला कलीला, अरे आप उठे रातों को मगर ज़रा काम, ज़रा काम, इतनी मेहनत ना करें, लअल्लका बाख़िउन नफ्साक, अरे क्या आप अपने नफ्स को खो देंगे, क्या आप हलाक कर लेंगे अपने आप को, इतनी हमारी राह में जफाकशी करेंगे। खुदा ने अगर आवाज़ ना दी होती तो हमें अंदाज़ा ना होता आज़मत इबादत मुस्तफ़ा का। तो हद उबूदियत, हद इबादत मुस्तफ़ा सामने ना आ सकी, ये एक हकीकत है। अली ने कितनी इबादतें की, इसकी गवाही खुद सैयद सज्जाद ने दी है, फरमाते हैं मैं यकदरु अला इबादत अली इब्न अबी तालिब, अरे मेरे जद अली इब्न अबी तालिब के इतनी इबादतें कौन कर सकता है, बहुत करते थे। निसफ शब हो तो सजदे में अली नज़र आएंगे, निसफ नहार हो तो अली सजदे में नज़र आएंगे, खुजू व खुशू की कैफियत में जो गिरिया फरमाते थे, महासिन मुबारक तर हो जाते थे, आपके महासिन से अतरहाए अश्क टपकते थे, जहाँ सजदा करते थे उतनी दूर ज़मीन आपके आंसुओं से तर हो जाती थी, मुसल्ला नम हो जाता था, ये अली का खुजू व खुशू था। हसन मुश्तबा की इबादत, हुसैन की इबादत, अरे सर ही सजदे में कट गया, अरे हुसैन सजदे में कटा है, सजदे में, ये हकीकत है, ये हकीकत है। और इसीलिए किसी ने कहा हासिले ताते कौनैन है वो एक नमाज, सुनोगे, हासिले ताते कौनैन है वो एक नमाज जो अदा भी न हुई और कजा भी न हुई। हुसैन की नमाज असर आशूर के सर हजरत का कलम हो गया सजदे में। अजीजो मकाम मसाइब में हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि जब हम सर से अमामा उतार देते हैं तो शबीह बरामद होती है, इसीलिए कभी जी चाहता है कि सर से अमामा उतार के खुद अपना सर पीटूं, मगर जो एक निज़ाम मजलिस है उसको बरकरार रखने के लिए दिल पे जबर करता हूँ, दिल पे जबर करता हूँ, इसलिए किसी को बुरा ना लगे कि मेरे सर पे अमामा है और मसाइब पढ़ रहा हूँ, बस एक निज़ाम मजलिस है, इसलिए ये है। सरकार सैयद शुहदा का सर कलम हो गया लेकिन उन्हें हम ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहते, इसलिए कि दस्ते अदब जोड़ के अर्ज़ करूँ, अरे एक मरतबा ज़ेर शमशीर सजदा कर लेना बहुत आसान है आका, मगर हाथों में हथकड़ियाँ हों, ऐसे घट्टे पड़ गए थे जैसे शुतुर के ऊंटों के घट्टे पड़ जाते हैं जो काट कर अलहदा किए जाते हैं। मैं सोचता रहा है
ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? सारे मासूमों ने नमाजें पढ़ी मगर आपके जिस्म में नाजनी पर, आपके लतीफ जिस्म पर ऐसे घट्टे क्यों पड़े? अरे सुन सकोगे, करबला से शाम तक नमाज पढ़ने के लिए भी साया मयसर नहीं आता था। जलती हुई रेत पर सजदा, तपती हुई चट्टानों पर सजदा। सुन लो आज ज़ैनुल आबिदीन की शाने इबादत सुनो। अरे बाज़ मकातिल में है, बाज़ मकातिल में है। एक मर्तबा किसी मकाम पर अश्किया ने अपना खैमा लगाया और सैयद सज्जाद और बीबियों को, अहले हरम को धूप में बिठा दिया। खैमे का जो साया जमीन पर पड़ रहा था, सैयद सज्जाद खड़े होकर वहां पर जब नमाज पढ़ने लगे, जंजीर की आवाज खैमे में पहुंची, हथकड़ी और बेड़ी की आवाज खैमे में पहुंची। शकी ने अपने गुलाम को भेजा और जुमला कहा, इस कैदी से कह दो कि साए में खड़े होने की इजाजत नहीं है। सैयद सज्जाद ने फरमाया, मैं खैमे के अंदर तो नहीं आ रहा हूं, मैं तेरे ख्वाबो खुर में तो मुखिल नहीं हूं, तेरी इस्तराहत में खलल अंदाज नहीं हूं, नमाज पढ़ रहा हूं। गुलाम वापस गया, वो शकी ताजियाना लेकर खैमे से बाहर आया। जैसे ही बीबियों की नजर पड़ी, एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी, बेटा सैयद सज्जाद मेरे करीब आ जाओ। और फरमाया अपनी बहन उम्मे कुलसूम से, ए उम्मे कुलसूम, ए रबाब, ए लैला, ए फिजा, अरे जरा आओ, हम सब हलका बना के खड़े हो जाए ताकि हमारा बेटा हमारे साए में नमाज पढ़ ले। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज शबी है ताबूत बरामद होगी, इसलिए जी भर के रो, ठंडा कर लेते हैं और ये बड़ा खराज अकीदत है। हाँ सुनो, ये सैयद सज्जाद जिन्होंने इतनी मशक्कतें सही, आज उनकी शबे शहादत है। शबे शहादत, जब वक्त शहादत करीब आया, दुश्मनों ने जो जहर दिया था उसका असर जिस्म मुतहर में फैल गया, पूरा कुनबा करीब आ गया। सैयद सज्जाद तख्त पर लेटे हुए हैं, आरामदेह बिस्तर है, लेकिन एक मर्तबा आपने बेटे जनाबे बाकिर से कहा, ए बेटा मुझे जमीन पे लिटा दो। जात को जमीन पे लेटाया।